नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा, नेचुरोपैथ। आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आँखों के स्वास्थ्य के विषय में कि अपनी आँखों को हम कैसे स्वस्थ रखें, क्योंकि आजकल का जो माहौल है उसमें आँखों की समस्याएं बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और माहौल को तो हम बदल नहीं सकते, थोड़ा बहुत ही चेंज कर सकते हैं, हमें अपने आप में ही इम्प्रूवमेंट लाना होगा। आजकल बच्चे हों, युवा हों, सभी की आंखें वीक हो रही हैं। और उसका कारण है क्योंकि हमारा जो काम पड़ता है वो अधिकतर मोबाइल से, टीवी से और लैपटॉप से ही पड़ता है। और बच्चे तो टीवी के पीछे दीवाने हैं, बच्चे तो टीवी को बहुत ज़्यादा देखते हैं। और टीवी को तो छोड़िए, अब तो मोबाइल को भी बच्चे बिल्कुल नहीं छोड़ते, मौका मिले तो मोबाइल देखने की पूरी कोशिश करते हैं। और आजकल कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन चल रहा है, इस तरह की समस्या आ रही है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो बच्चों को क्लासेस भी अपनी फ़ोन पर या लैपटॉप पर करनी पड़ रही हैं, तो उससे भी आँखों पर बहुत गलत असर पड़ रहा है। आँखें बच्चों की कमज़ोर हो रही हैं। और बड़े लोगों को तो काम करना ही पड़ता है लैपटॉप पर बैठकर, स्क्रीन के सामने। अब जब हम स्क्रीन के सामने 10 से 12 घंटे बैठते हैं तो उसका आँखों पर बुरा असर पड़ता है, हमारी मसल्स वीक होती हैं और इसीलिए हमारी आँखें कमज़ोर होने लग जाती हैं। तो अगर आपकी आई साइड वीक है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपको आई साइड को बढ़ाने के लिए और चश्मा उतर जाए इसके लिए कुछ अच्छे अच्छे टिप्स बताऊंगी। तो सबसे पहला टिप्स तो यही है कि जब आप दिन भर काम करके और रात को सोने चलते हैं तो उस वक्त अपनी आँखों को आई वॉश कप से धो लिया करें। एक छोटा सा आई वॉश कप होता है जिसके अंदर आप पानी भर लें, फ्रेश वाटर, और पानी भर के इसको आँख के ऊपर लगाएं और इसको पलट दें तो और अपनी आँखें उसमें खोल कर रखें, तो जितनी भी गंदगी हमारी आँखों में आई है वो इससे बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। ये देखने में तो एक छोटी सी चीज़ है लेकिन आँखों के लिए एक मैजिक है। जब हम इसमें पानी भर के और आँखों पर इसको पलट कर आई वॉश करते हैं तो आँखें एकदम फ्रेश हो जाती हैं। या कभी आँख में किसी तरह का कोई कीड़ा चला जाए या कोई आँख का बाल टूट के आ जाए तो इसमें पानी भर के इसको वॉश कर लेना चाहिए, वो समस्या तुरंत ही ख़त्म हो जाती है। और दूसरा भी बिल्कुल एक आसान टिप है जो आप आसानी से कर सकते हैं, सुबह जब आप उठें तो अपनी आँखों पर पानी के छपके मारें। और अगर आप कर सकते हैं तो त्रिफला से अपनी आँखों को धोएं और एक गिलास पानी में आधी चम्मच त्रिफला रात को भिगो के रख दें और सुबह उसको बहुत बारीक कपड़े से छाने, जिसके छेद मोटे ना हो, मलमल का कपड़ा हो या कोई बिल्कुल बारीक पतला कपड़ा हो, रुमाल जैसा, उसमें उस पानी को छान लें ताकि उसमें त्रिफले के कोई भी कण ना आए, क्योंकि आँख में वो महसूस होंगे। अगर आपने उसको ऐसे धोया तो आँख में त्रिफले के कण महसूस होंगे और उससे आपको दिक्कत होगी। तो त्रिफले के पानी से आँख धोने से भी आई साइड इम्प्रूव होती है। जब आप लगातार फ़ोन पर या लैपटॉप पर बिजी हैं, काम कर रहे हैं, तो आँखों में एक थकान सी आ जाती है, तो एक घंटे के बाद ब्रेक ले लेना चाहिए। चाहे वो 2 मिनट का ही ब्रेक क्यों ना हो तो आप 2 मिनट या 5 मिनट का ब्रेक ले लें और ब्रेक लेकर अपनी आँखों पर ठंडे पानी के छपके मारें, छींटे मारें और बाहर की तरफ चले जाएं और अपना चश्मा उतार दें और 2 मिनट के लिए ताज़ी हवा लें और उसके बाद अपनी आँखों से दूर का दृश्य देखें। इससे आँखें फ्रेश होती हैं और आँखों में चमक आती है, आँखें ठीक होती हैं और आँखों की सारी थकान मिट जाती है। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए एक काम आप और कर सकते हैं जो बहुत ही अच्छा है, उम्दा एक छोटी सी चिकित्सा है जिसको आप आराम से कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा काम आँखों के लिए करती है, आई साइड को इम्प्रूव करती है। तो इसके लिए हमें एक ये रुमाल मैंने आपको दिखाया है, जेंट्स रुमाल है, इसको हम इस तरह से तह लगा लेंगे। हमें ये साइज बनाना है, 3x6 का या 7 का, कुछ इस टाइप का साइज बना लें और इसको पानी में भिगो दें। अब पानी में भिगो के इसको ठंडे पानी में भिगोएं और ठंडे पानी में भिगोएं और इसको हल्का निचोड़ें जिससे कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी रुका रहे, और उसके बाद इसे अपनी आँखों पर फैला लें और जब 2-3 मिनट हो जाएँ तो इसको पलट दें और फिर 2-3 मिनट रखें और फिर उस रुमाल को हटा करके रख दें। ऐसा करने से हमारी आँखों में ठंडक आती है और जो ब्लड सर्कुलेशन है
वो बढ़ता है, क्योंकि जब हम ठंडा रखते हैं तो हमारी ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जब हम रुमाल हटा देते हैं तो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे हमारी ब्लड वेसल्स खुलने लगती हैं और उसमें ब्लड का प्रवाह तेज़ हो जाता है। और जैसे मैंने अभी आपको ये रुमाल दिखाया है, इस तरह से आप आँखों पर मिट्टी को भी लगा सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी ट्रे होती है, इस पर एक बारीक कपड़ा फैलाएं और उसके बीच में मिट्टी भर दें। जैसे ये आप देख रहे होंगे, इसका किनारा आधा पौना इंच का, इतनी इस पर मिट्टी डाल दें और उस कपड़े से इसको रैप कर लें, और उसके बाद इसको अपनी आँखों पर पलट दें, क्योंकि मिट्टी बहुत देर तक ठंडी बनी रहती है। तो जो भी आप सुविधा से कर सकें वो कर लें, दोनों के फ़ायदे वही मिलेंगे। तो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने खान पान पर, आहार पर भी विशेष ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आँखों के लिए विटामिन ए की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो आँखों के रोग होने लग जाते हैं, आँखों की दृष्टि गिरने लग जाती है। इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें ऐसी चीज़ें खानी हैं जिसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा हो। विटामिन ए को प्राप्त करने के लिए हमें जिन सब्जी और फलों में बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, उन फलों का हमें और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी पीले रंग के, ऑरेंज, रेड कलर के फल और सब्जी हैं, उनमें बीटा कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, और बीटा कैरोटीन जब हमारी बॉडी में जाता है तो शरीर उसको विटामिन ए में स्वयं तब्दील कर देता है। और हरी सब्जियों को भी हमें खाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब गाजर का मौसम हो तो हमें गाजर को भरपूर मात्रा में खाना चाहिए, और उसके छिलकों को नहीं उतारना चाहिए, उसको अच्छी तरह से रगड़ कर धो लें, जिससे कि उसके ऊपर जो भी मिट्टी या कुछ भी लगा हो वो साफ़ हो जाए, और फिर उसको खाएं। जब तक गाजर का मौसम रहे तो जूस पीने की भी कोशिश करनी चाहिए, और जूस निकालने के लिए भी हमें गाजर को छीलने की आवश्यकता नहीं है, उसको नहीं छीलना चाहिए, क्योंकि छिलकों में बहुत सारे विटामिन होते हैं। अगर हम गाजर छील देते हैं या कोई भी चीज़ हम छील कर खाते हैं तो सारे विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गाजर को भी रगड़ कर धोकर साफ़ करके हमें उसका जूस निकाल कर पीना चाहिए। और अगर सर्दी का मौसम है, ज़्यादा ठंड है, तो हमें गाजर के जूस को हल्का सा गर्म करके पीना चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो गाजर के जूस को दिन में कम से कम 3 बार पीना चाहिए, आधा आधा गिलास सुबह, दोपहर और शाम, 3 बार हमें उसको पीना चाहिए। और वो जो पीला कद्दू, जो पूरा पका हुआ कद्दू होता है, जिसे कुछ लोग पेठा भी कहते हैं, उसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसको हमें सब्ज़ी में ज़रूर बना करके खाना चाहिए। वैसे तो जब आईसाइट वीक होती है तो विटामिन ए की टैबलेट्स भी खाने के लिए दी जाती हैं, लेकिन उससे अच्छा है कि आप अपने आहार से ही विटामिन ए की पूर्ति करें, क्योंकि विटामिन ए हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रोज़ का रोज़ हमें उनको खाना पड़ता है, वो पानी में घुलनशील होते हैं और बॉडी से निकल जाते हैं। एक और आपको कारगर नुस्खा बता रही हूँ जो बना करके खाना है, और ये बहुत खाने में टेस्टी भी लगता है और बनाना इजी भी है। तो इसके लिए हमें 5 बादाम लेने हैं, और 5 मुनक्का, और 1 चम्मच खरबूजे की गिरी, 1 चम्मच पोस्ता दाना, और 5-7 दाने सफ़ेद मिर्च के। इन सभी आइटम को रात को पानी में अच्छे से धो करके और भिगो कर रख दें। पानी इसमें ज़्यादा ना डालें, पानी कम डालें, जिससे कि इनका पानी हमें फेंकना ना पड़े और वो यूज़ हो जाए। और सुबह उठकर सबसे पहले मिक्सी जार में इन्हें पीस करके एक पेस्ट बना लें, और जब वो पेस्ट बन जाए तो कोई लोहे की कढ़ाई या तवे को गर्म करके उस पर इसका मटेरियल डालें और आधा मिनट के लिए चलाएं, और उसमें 1/2 चम्मच मिश्री डालें और उसको बाउल में निकाल लें, और फिर थोड़ा थोड़ा करके उसको खाएं। ये बहुत ही उम्दा नुस्खा है, और मैंने बहुत लोगों को करवाया भी है, क्योंकि इसमें सब विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलते हैं, और ये हमारी आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक नुस्खा है। इसको ज़रूर करें, और खाने में भी ये बहुत अच्छा लगता है और हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। आप अगर इसमें मिश्री ना मिलाना चाहें तो 1 चम्मच शहद मिला करके भी इसको खा सकते हैं।
ये जितने भी टिप्स मैंने आज आपको बताए हैं ये बिल्कुल आसान है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं और चश्मा उतारने में ये 100% कारगर हैं। तो ये टिप्स आप फॉलो करके देखें और फिर अपने कमेंट आयुष शक्ति में शेयर करें। तो मुझे उम्मीद है जो जानकारी आज मैंने आपको दी है ये आपको पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।